सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आज सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे तीन मल्टीबैगर मिड कैप स्टॉक के बारे में, जो कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए इनके बिजनेस मॉडल है। ये तीनों स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोग के पास है या फिर आप फ्रेज बाइंग करने से सोच रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा, आज के दिन इन तीनों स्टॉक में बहुत ही अच्छे खासे गुड न्यूज़ आ चुका है, और इस गुड न्यूज़ का इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में क्या और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, मैं सारी चीज़ इस वीडियो में आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा। तो चलो इस तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम तीनों स्टॉक को लॉजिक के साथ कंसिडर करते हैं। सो दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम BSE लिमिटेड से। तो BSE लिमिटेड में आप देख पाएंगे आज के दिन 2% की तेजी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ दोस्तों ये कि पूरे बाजार में करेक्शन होने के बाद भी हमें इन स्टॉक में अच्छे खासे पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है, और इसके पीछे का रीज़न भी सेम न्यूज़ जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। 5 डेज में दोस्तों आप देख पाएंगे 10% के आसपास के रिटर्न आप देख। मैं दोस्तों मेरी मैं आप लोग मेरे चैनल को अगर रेगुलर फॉलो करते हो, मैं एक पॉइंट आप लोगों को जरूर बता दूँ, आपके फोकस होना चाहिए आपकी कंपनी के ऊपर, ना कि उसकी प्राइस के ऊपर, और ना ही कि निफ्टी 50 सेंसेक्स क्या कर रहे हैं, वो निफ्टी दोबारा से 18,600 को तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, कब तक तोड़ेगा, आपको इसमें टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। आपके फोकस होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उनके ऊपर फोकस होना चाहिए, उनके कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करने, बिजनेस में क्या ग्रोथ आगे करने वाले, उनके रिजल्ट को अच्छे से स्टडी करने, ये चीज़ आपको देखना आना चाहिए। तो आप देख पाएंगे 5 दिन में जो निफ्टी 50 है उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आपके जो स्टॉक है उन्होंने 10% की तेजी दिखा चुके हैं। देन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको अच्छी तरह से पता है, जब ये स्टॉक में एक ही साथ 20 जून को एक ही साथ दो स्टॉक गिरे थे, एक है एंजल ऑयल लिमिटेड, दूसरा है दोस्तों BSE लिमिटेड, तब मैंने आपको बताया था कि ऑल टाइम हाई टच कर चुके, फिर भी ये जा सकता है अगर बाजार में और करेक्शन होता है तो 520 तक जा सकता है। जिनके टॉप पे बैंक है 900, 1800, तो वो चाहे तो इस लेवल पे थोड़ा सा अगर आपने निवेश किया तो एवरेज करके चल सकते हो Q1 के नंबर आने से पहले, और जिनके जिन्होंने फ्रेश बाय नहीं किया वो चाहे तो इस लेवल पे 550 पे बिंदास फ्रेश बाय करके चल सकते हो, लेकिन आधा लगाना है जितना भी लगाना है, और आधा Q1 नंबर देखने के बाद फिर स्टॉक ने आप देखना 25 दिन में स्टॉक ने 23% रिटर्न दे चुका है, स्टॉक 550 से 700 के आसपास जा चुका है। तो मेरे बताने का मकसद ये, और निफ्टी 16,000 के 16,000 ये मेरे बताने का मकसद ये दोस्तों, हमें इंडेक्स से मतलब नहीं होना चाहिए। आपने अगर इंडेक्स में निवेश किया तो अलग बात है, अगर आपने इंडिविजुअल स्टॉक में कंपनी में निवेश किया तो आपके फोकस कंपनी के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपके इंडेक्स के ऊपर। स्टॉक जो निफ्टी 50 है इंडेक्स, वो 16,000 के 16,000 रहेगा। ये स्टॉक अगर अच्छे करेगा कंपनी तो ये इस बार अच्छे आएंगे नंबर, तो आप देखें ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 1,000 के भी तोड़ के एक न्यू हाई जरूर बनाएगा, और इंडेक्स सेम जगह पर रहेगा। तो आपका फोकस हमेशा आपके कंपनी के ऊपर होना चाहिए। देन अगर एक साल की बात करें 84% रिटर्न, जो कि एक मल्टीबैगर रिटर्न है। मल्टीबैगर रिटर्न दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे किसी भी स्टॉक को ले लो, इंडेक्स को ले लो, आपको करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा एक साल या 6 महीने में, और ऐसे स्टॉक आपको 84% रिटर्न दे रहा है इतने करेक्शन होने के बाद भी, तो एक अच्छे साइन है। लेकिन प्रॉब्लम सेम से किसी के ना किसी को तो प्रॉब्लम जरूर हो रहा होगा, शॉर्ट टाइम वाले को, 4 मंथ पहले जिन्होंने बाय किया उनको प्रॉब्लम है। दोस्तों 4 मंथ नहीं, आप एक साल के अंदर भी आप आते हो तो किसी भी स्टॉक में बाय करोगे, कोई कोई स्टॉक छोड़ के आप किसी भी स्टॉक में बाय करोगे तो आपको वो बाइंग प्राइस के नीचे आएगा, और कुछ टाइम तक आपको परेशान जरूर करेगा, और फिर दोबारा से स्टॉक कमबैक जरूर करेगा, जो कि आप देख पाएंगे। फिर दोबारा से कुछ लोग ऐसा है जिन्होंने 1,000 पे बाय किया, स्टॉक 800 पे आया, 600 पे क्विट कर चुके, कुछ लोग एग्जिट कर चुके, लॉस बुक कर चुके, और फिर ये स्टॉक दोबारा से, जब ये स्टॉक दोबारा से कमबैक करेगा 1,000 को तोड़ेगा, 1,200 तक जाएगा, फिर ये जो लोग लॉस में बेच चुके वो लोग दोबारा से री एंटर करेगा। तो मैंने बताने का मकसद ये कि कंपनी के बिजनेस को देखना चाहिए, ना कि स्टॉक ऐसे नहीं हो कि 1,000 के स्टॉक 500 आ गए तो वो खराब हो गए, आपके बिजनेस के ऊपर फोकस रहना चाहिए। तो एक गुड न्यूज़ आ चुके पूरे स्टॉक मार्केट की तरफ से, वो है दोस्तों डीमेट अकाउंट को लेकर। 18 लाख डीमेट अकाउंट इस बार खोले गए दोस्तों जुलाई में, मतलब जून के डेटा हमारे पास आ चुका है, तो ये एक अच्छे साइन है। अच्छे साइन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पिछले जो हमारे जून के थे मई के थे डेटा, वो थे लगभग 24 लाख का हो चुका 18 लाख, तो वैसे देखा जाए तो खराब है, लेकिन मैं फिर भी अच्छा बोलना चाहूँगा, इतने गिरावट में, इतने करेक्शन के बाजार में आपको इतने पार्टिसिपेंट देखने को मिले स्टॉक मार्केट में, जो कि एक मल्टीबैगर न्यूज़ है। अब खुद सोचो इतने करेक्शन, 6 मंथ से 7 मंथ से स्टॉक मार्केट ने एक परसेंट के भी रिटर्न दिया नहीं, तब भी इतने डीमेट अकाउंट खोले जा रहे हैं, जब बाजार में दोबारा से बुल रन आएगा 2020 कभी ना कभी तो जरूर आएगा, तो खुद सोचो ये डेटा कहाँ तक जाएगा। तो मैं इतना कहना चाहूँगा जिनके पास भी करेक्ट टाइम है वो बिंदास इस लेवल पे स्टडी करके अपने जो स्टॉक है वो भी, अगर आपके पास कैपिटल है तो एवरेज करके SIP करके बिंदास चल सकते हो। तो BSE लिमिटेड कमाल के स्टॉक है, ये न्यूज़ का फायदा आप देख पा रहे हो, लॉन्ग टर्म में कमाल के फायदा होगा, और ये स्टॉक मोनोपोली स्टॉक है, आगे जाके आपको शानदार रिटर्न जरूर देगा देगा, आपके पास है SIP वाले स्टॉक है। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एंजल ऑयल लिमिटेड, तो सेम चीज़ इसमें भी आप देख पा रहे हो, बीच में तेजी था फिर गिरावट, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नेगेटिव पॉइंट, दोस्तों कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कभी कभी ऐसे गिरावट आ जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कल 14 जुलाई कल इसके नंबर है, तो कुछ बहुत सारे नेगेटिविटी चलते रहते हैं कि कल बाजार पता नहीं कल किस हिसाब से नंबर आएंगे, कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 1.5 साल में स्टॉक ने 400% रिटर्न दे चुका है, अभी तक उस हिसाब से करेक्शन नहीं हुआ, तो प्लीज़ अगर आपने फ्रेश बाइंग नहीं किया अभी तक रुके हो तो कल के दिन आप रुक जाना,
शाम तक नंबर आ ही जाएगा, तब मैं आप लोगों को अपडेट कर ही दूंगा अपनी तरफ से, जितना भी हो पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी कल फ्रेश बाई ना करें और कल एवरेज भी ना करें, मेरी तरफ से मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा। हम आ चुके पिछली बार एंजल ऑयल लिमिटेड के Q4 के नंबर के ऊपर। दोस्तों इसको बीट करना जून को और मार्च को बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप देख पाएंगे लगभग 285 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। दोस्तों इसको अगर बीट कर दिया तो हम एक अच्छे साइन यानी कि अच्छे नंबर हम मान सकते हैं। बाजार भी इतने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता बाजार कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम इसको तो बीट करना आना चाहिए, तभी नंबर हम 5 स्टार बोल सकते हैं और स्टॉक में रॉकेट की तरह तेजी देखने को मिल सकती है और एक ऑल टाइम हाई भी हमें देखने को जरूर मिल सकता है। तो एंजल अनलिमिटेड अगर आप लोग के पास है प्लीज़ कंटिन्यू जरूर करना, नंबर अगर फ्लैट भी आता है तब भी मुझे ऐसा लगता है आपको बिंदास कंटिन्यू करना चाहिए। सो चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है दोस्तों हमारा CDSL। इसके बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूं दोस्तों, मोनोपोली स्टॉक है, ऐसे स्टॉक को भी जरूर फायदा होगा। शॉर्ट टर्म ये फ्लैक्चुएशन चलते रहते हैं, आप देख पाएंगे 1 साल में गिरावट, 1 साल में 6 महीने में दोस्तों कोई रिटर्न नहीं बनता, बनता है बीजेपी में 10% 20%, जिसमें आपके कोई लाइफ में चेंजेस नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा सा लंबा खेलोगे 5 ईयर्स 200% के आसपास, वो भी इतने करेक्शन होने के बाद भी, बीच में स्टॉक कोई भी रिटर्न नहीं दे रहा था जब से लिस्टिंग हुआ था, 3 साल कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, बीच में फिर कोविड के बाद करेक्शन, फिर जब 4 करोड़ डीमैट अकाउंट एक साथ खोले गए फिर स्टॉक ने रैली दिखाई। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए इनके बिजनेस मॉडल है, स्टॉक मार्केट में जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे ऐसे स्टॉक को फायदा होगा और ऐसे कंपनी को बिजनेस में ग्रोथ आएगा तो स्टॉक में जरूर ग्रोथ आएगा। तो प्लीज़ ऐसे मोनोपोली स्टॉक अगर आप लोगों के पास है लॉस में मत बेचिए, अगर आपने 1720 भी बाय किया जितने भी क्वांटिटी बाय किया होल्ड करके बैठे रहना, अगर आपके पास कैपिटल भी नहीं है बिंदास होल्ड करना, लोन लेने की एक जरूरत नहीं है आपको, जितने भी क्वांटिटी है प्लीज़ आप बिंदास होल्ड करना। और फ्रेश बैंक के लिए इतना कहना चाहूँगा Q1 के नंबर 30 जुलाई का Q1 के नंबर है, नंबर देख के जो भी आपको डिसीजन लेना है भले आपको एक शेयर क्यों नहीं लेना हो। सो दोस्तों वीडियो इतना, एक डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस वीडियो में कोई पढ़ना चाहिए लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए।